गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज फिर से हम लोग एक राइडिंग में जा रहे हैं जो ब्रेकफास्ट राइडिंग है। एनडीजी शोरूम या एनडीजी मोटर्स इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो मेनली राइडिंग होता है उसी ये पूरा राइडिंग होगा। मज़ा आने वाला है आज का जो राइडिंग होगा। थोड़ा सा दूर भी है इसका डेस्टिनेशन, तो चलिए जाके मिलते हैं। ऐसे तो बाइक बहुत सारा आने वाला है, चलिए देखते हैं कितना बाइक आएगा। सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में हम लोग को आज बुलाया गया है, चलिए चलते हैं जाके शोरूम में जाके वेट करते हैं। अरे 5 बजे है तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ। चलिए कैसा आज का राइडिंग होता है उसका। चलिए गाड़ी यहाँ पर लगा देता हूँ, ब्लॉग वाके खींचने पड़ रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बहुत गाड़ी आगे गाड़ी आने का बाकी है। इस बार गाड़ी ज़्यादा है तो इसलिए इधर भी गाड़ी लग चुका है। अरे किशोर सर आ रहे, ठीक है। सुधीर कुमार राय वो करना है जो पूरा ऑल ओवर झारखंड से जो राइडिंग टीम आ रहा है उसके साथ में हम लोग एक राइड करेंगे। ज्यादा लंबा राइड नहीं होगा, छोटा राइड होगा। तो यहाँ से अभी फिलहाल हरीश भैया लीड करेंगे। सर वहाँ पे जो है, सर ये बार हाथ उठा के, हाँ सर एक बार थोड़ा आगे आ जाइए आप। हाँ सर करेंगे टेल, ठीक है। दीपक भैया और मैं करेंगे मार्शल, ठीक है। तो लीड से कोई आगे नहीं निकलेगा, टेल के कोई पीछे नहीं रहेगा और मार्शल कोई ओवरकट नहीं करेगा। मार्शल होगा हर तरफ घूमते रहेगा, ठीक है। हर समय हम लोग को लेन में अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग को सट के नहीं चलना गाड़ी में, कोई भी गाड़ी होगी तो उसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना ताकि विजिबिलिटी रहेगी सबको, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ इशारा करेंगे, ठीक है, जैसे इसका मतलब हम लोग स्टॉप है, ठीक है। जैसे अगर टैंक में ऐसे इशारा करें तो उसका मतलब टैंक फ्यूल अप करना है हम लोग को। अगर हम लोग इस तरफ करते हैं तो मतलब स्लो डाउन, अगर ऐसे करते तो सामने से खतरा है, हम लोग को ओवरटेक नहीं करना है। और भी कुछ कुछ इशारा, तो कृपया करके इशारा को देखिएगा, उसे फॉलो करिएगा। अब कोई इशारा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा में देख के आप लोग ओवर रिएक्ट करें, मतलब फिंगर्स विक्ट्री एंड ऑल, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली टू लाइंस होता है, सिंगल टू डबल प्रोफाइल होता है, इसका मतलब सिंगल प्रोफाइल होता है। तो होप सबको क्लियर है ये बात, रूट क्लियर है सबको ना। यहाँ से आदित्यपुर होकर के टोल ब्रिज आएगा, वहां से राइट टर्न लेके चौका होकर के फिर मेन रोड में जाना है। हम प्रपोज करेंगे कि जो टोल ब्रिज है उसके सामने एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाए कि सब लोग पीछे से आ गया। टोल ब्रिज बता दीजिए कौन सा वाला टोल ब्रिज, पहला वाला जो है, पहला वाला राइट लेना है, दूसरा वाला राइट नहीं लेना। हाँ, मेन रोड पे भी सब लोग एक बार रुक जाएंगे कि सब लोग पीछे वाले सब साथ में चल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अनलाइक लास्ट टाइम जो हम लोग, नहीं नहीं लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा, इसीलिए अभी जो कोऑर्डिनेटर है वो भी ज्यादा है, सब लोग आ गया फिर हम लोग आगे बढ़े। बस अब 7 बजे ग्रुप फोटो लेना। तो सब गाड़ी आ चुका है, अभी यहाँ पे फोटो शूटिंग करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत फोटो खींचेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
यहाँ सामने टोल है जो बोला गया था, यहाँ पे टोल में हम लोग सब इकट्ठा हो गए एक जगह पे। उसके बाद यहाँ से एक एक करके निकलेंगे। यहाँ से जो प्रॉपर जो राइडिंग का तरीका है यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। सब लोग यहाँ पे आ चुका है। चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइडिंग हम लोग फिर से।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फैमिली रेस्टोरेंट जो भी कह सकते हैं। तो हम लोग का गाड़ी है, सब लोग आ भी चुके हैं, सब लोग आ चुका है यहाँ पे, गाड़ी भी सब स्टैंड लग चुका है और भी हम लोग का जो झारखंड का गाड़ी ग्रुप है वो लोग भी हम लोग को ज्वाइन किया है आज। ये आपका जो रांची का मेन रोड है जो जमशेदपुर से रांची आता है, यही रोड है, मेन रोड के एकदम सामने ही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सबसे राइडिंग का एक्सपीरियंस भी लेंगे। फाइनली हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, हम लोग हरित भैया कूपन बांट रहे हैं। लीजिए मेरे को भी ये रहा कूपन। चलिए फुल एसी है। स्टैचू है जिसमें फ्लावर आ रहा है, ये लोग का स्वीट्स का कुछ आइटम है, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग का बुफे लग चुका है। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है जो अच्छा लग रहा है बहुत। सवेरे दिन रात न पाए चैना सुन ले चलिए यहाँ के जो भी होता है हम लोग उसको कैप्चर करेंगे, जो भी फनी मोमेंट होगा जो भी है। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे अंदर में। यहाँ पे हरीश भैया कूपन बांटू है। चलिए अभी अंदर जा रहे हैं। ये सब गाड़ी एनडीजी ग्रुप से आया हुआ है और भी गाड़ी आने वाला है जो और एक ग्रुप है। अभी खाने के लिए वो रेडी हो चुके हैं, पूरा भूखा लग रहा है, पूरा दबा के पेल रहे हैं अभी खाना। अभी यहाँ पे एनडीजी का सब लोग लग गए हैं लाइन में, लग रहा है जेल में खाना दे रहा है, ऐसे सब लोग लाइन में लग चुके हैं। चलिए हम भी अभी लाइन में लगते हैं। अभी हम लोग खाना ले चुके हैं, मेरा खाना आ चुका है, ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पे आलू का पराठा, पूरी दही है, सब्जी दिया है और सैंडविच है, सॉस है और इडली का भी ऑप्शन है। अभी खाने के बाद अगर जगह बचता तो वो भी खाएंगे हम लोग। चलिए रखते हैं अभी खाना खा के फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी सबका एक्सपीरियंस ले रहे हैं कैसा खाना हुआ है। अभी सर लोग अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे सभी। कहाँ गया मेरा माइक, बताइए कैसा खाना खा रहे हैं? बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया मैम, आप बहुत अच्छा खा रहे। एक्चुअली भूख से जो खाना मिला हम लोग को बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी भी है, रेस्टोरेंट भी अच्छा, खाना भी टेस्टी, खाना अच्छा था, लगा नहीं था आपकी बार इतना अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिल भी गया, टाइम पे मिल भी गया, बहुत बढ़िया खाना था और सबसे बड़ा चीज गरम गरम एकदम ताजा सर्व किया गया। Fantastic. It was not expected. Very good.
चाय भी बहुत अच्छी, चाय भी अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे अभी तो खाए ये नहीं है। अगला पड़ाव फिर से जरूरी पड़ाव नहीं होगा। चलिए बाकी लोग तो राय लगे सर, बोलिए सर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत अच्छा लगा मुझे जो रॉयल फूड वाले ने बहुत वैरायटीज भी है ना सर। मेन बात है खाना ताज़ा भी है, गर्म भी बहुत, हाँ गर्म भी गर्म खाना है। देखिए अभी प्रवेश का भी कुछ आइटम है बाहर चाय भाई देखते हैं उसका भी खाना कदा पूछते हैं। बाकी सब कहाँ गया तो खाना कैसा लगा यहाँ का? बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए? और क्या ही बताए, अभी आगे देखते हैं आगे कैसा मैनेज करना है। अभी रेस्टोरेंट के बारे में? रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, क्या था एम्बियंस है, बहुत ही अच्छा माहौल है, गुड खाना का भी बेस्ट क्वालिटी, खाना तो बेस्ट गर्म गर्म एकदम। चलिए ये वहाँ से देखते हैं क्या बोलते हैं खाने का क्या तारीफ देते हैं रेस्टोरेंट का, क्या तारीफ? रेस्टोरेंट का खाना बस गुड, स्वादिष्ट था, बहुत सारा ऑप्शन है, हाँ एक मौका नहीं छोड़े, सब कुछ सब खाए हैं। अभी बार रेवेज का चाय 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 भाई का चाय, बिल्कुल बिल्कुल चाय इस मास्ट वेरी इम्पोर्टेंट, वरना नहीं नहीं खुलेगा दिन का। अभी बस एक चाय का जरूरत है, क्योंकि खाना बहुत अच्छा था, हमको मेनली ये पूरी और सब्जी हमको बहुत अच्छा लगा। अरे मैम आप बोलिए, मैम बिजी है खाने में, मैम खाने में बिजी है अभी है एडिटिंग। खाना ऐसा था मतलब मेरे को ज्यादा पसंद नहीं हुआ, नॉर्मल सा था, खाना का फीडबैक इसका फीडबैक बहुत बढ़िया खाना था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। एनडी जी एनडी जी रेस्टोरेंट के बारे में बोलिए, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था और सब्जी पूरी सैंडविच इडली सब कुछ टेस्टी था, बहुत अच्छा इंतजाम करवाया, कुछ ट्राई किया सब 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 ट्राई किया, बाहर मेहनत का कोई कुछ आइटम है वो भी ट्राई कीजिएगा। बोलिए कैसा लगा सर आपको? जो बुलाओ मेरा बात कॉपी लिखना नहीं बोल जाएगा। चलिए चलिए अभी सर से बात करना है, बोले खाना कैसा है? खाना तो बढ़िया है आकाश, खाना कैसा है? एकदम बढ़िया है खाना, भैया को जान रहे हो नया हिमालयन खरीदे दीपक भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सही है। चलिए बताइए खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा एकदम बढ़िया। आप लोग पहली बार राइडिंग में आए हैं उनके साथ कैसा लगा? बाकी सब कहाँ गया देखते हैं, बाकी सब कहाँ गया। चलिए सर बताइए कैसा लगा रेस्टोरेंट का खाना? और नहीं पहले आप बोलेंगे उसके बाद मैम कर लेंगे। बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा रेस्टोरेंट का एम्बियंस, बहुत अच्छा था और अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है, ये मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा रेस्टोरेंट को भी और एनडीजी टीम्स को भी जिन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रखा है, वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैम बोलिए आपका तो राइटिंग पहली बार है, हमको साथ कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था, ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल और डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन और रूल्स के हिसाब से राइड करते हैं वो स्प्लेंडर। बहुत धन्यवाद मैम, आपका तो हो गया है। चलिए आगे लेते हैं कौन है देखते हैं। सब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से शुरू करते हैं, जितना कितना देख सकते हैं बाइक आ चुका है, बहुत लोग अंदर में है, ये रहा बाइक का लाइन यहाँ पे शुरू होता है, पूरा ऊपर तक देख सकते हैं जितना बाइक है।
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ा, कॉपीराइट मिल जाएगा वरना। हेलो एनडीजी मेंबर्स, शील्ड के नीचे आ जाइए। चलिए, सबको बुलाया गया है, किचन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबको बुलाया गया है। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किचन का जी की तरफ से। हरीश भैया सबको दे रहे हैं। राइट खत्म हो गया, फिर चाबी यहाँ लटका लेना चाहिए। तो अभी हम लोग छत पे आए हैं, छत से जगह नज़ारा कुछ ऑसम है, माइंड ब्लोइंग, मतलब इसको कुछ बोल नहीं सकते। देखिए इतना अच्छा नज़ारा है, पूरा हरियाली हरियाली, साइड में पहाड़ का व्यूज है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छा ये मेन रोड। चलिए हम लोग चलते हैं अभी आगे, यहाँ पे हम लोग फोटो शूट कराएंगे, ऊपर से फोटो लेने वाले हैं। देखते हैं कितना सारा गाड़ी यहाँ पे लग चुका है, जैसे हम लोग का पूरा राइडिंग ग्रुप है। फिर से सब ग्रुप मिलकर डांस कर रहे थे हम लोग, फिर से म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट इशू के लिए। चलिए आगे देखते रहिए। हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, एक पूरा ग्रुप मिलकर छोटा सा राइड होगा, फिर हम लोग यहाँ से जमशेदपुर के लिए निकलेंगे। चलिए देखते हैं कैसा लगता है पूरा ग्रुप जब राइड में निकलेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ से जो
यहाँ से आया था ग्रुप हम लोग का, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए मेरे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, मैं भी अपना गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। फिलहाल हम लोग डोभो ब्रिज आ चुके हैं, अब यहाँ से सुनारी होते हुए हम लोग जिसका जहाँ घर है वहाँ से हम लोग वहाँ पर निकल जाएंगे। तो डोभो ब्रिज का जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं आपको, जो सुवर्णरेखा नदी है, पानी बहुत हो चुके हैं। अभी हम लोग वीडियो अभी सबका रिव्यू लेंगे, जो आज का राइडिंग है वो कैसा लगा सबको सबसे पूछ लेंगे। चलिए पूछते हैं। तो हम लोग अभी सबका रिव्यू लेंगे आज का राइडिंग का। तो बोलिए सर, आपका राइडिंग का आज का रिव्यू कैसा रहा? इट वाज अमेजिंग, इनक्रेडिबल, अरेंज बाय एनडीजे ग्रुप एंड लीडेड बाय हरीश श्रीवास्तव जी, फैंटास्टिक मैन, ब्रिलियंट मैन, फैंटास्टिक ऑर्गन। धन्यवाद, आगे चलते हैं। तो सर आज का राइडिंग का कुछ रिव्यू दीजिए। बहुत ही बढ़िया। एनडीजे ग्रुप को कुछ बोल सर बोलना चाहते हैं? ऐसे ही राइड करते रहिए, वेरी वेल ऑर्गेनाइज। आप सर? थैंक यू एनडीजे फॉर राइड, और उम्मीद करते आगे भी ऐसा राइड अच्छा रहेगा, आगे जरूर और भी होगा तो फिर इन्फॉर्म किया जाएगा आप लोगों को भी, तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तो सर आपका क्या रिव्यू है? जबरदस्त। मैडम को तो पहली बार है, बोलिए कैसा है? पहली बार है, बहुत मजा आया, अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। 10 में 10। चलिए ठीक है, बताइए सर कैसा लगा? एक नंबर, मजा आ गया, आज का राइड एकदम एक नंबर। ठीक, चलिए। तो मैडम बोलिए कैसा लगा आपको राइडिंग? सही लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आज हम 120 से पार हुए, बहुत मजा आया। सही था मैम, पहली बार आज 120 क्रॉस किया, पार किए हैं। चलिए हां, यहां से लगा था आपका राइडिंग? बहुत अच्छा, अच्छा था एकदम। ओके रुके था वहां पे, तो सर कुछ स्पीच आपका महत्वपूर्ण कुछ वर्ड बोलिए आपका। महत्वपूर्ण वर्ड यही रहेगा, वंडरफुल राइड, गुड कंपनी एंड लोकेशन बहुत अच्छा था, मजा आया सबके साथ। चलिए आप कुछ बोल सकते हैं, बोला जाते हैं? यस, वन राइड था, बहुत अच्छा हुआ रॉयल एनफील्ड एनडीजी मोटर्स की तरफ से, बहुत मजा आया, हम लोग 100-150 प्लस बाइक्स आए, अच्छा लगा। तो ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है, जल्दी YouTube चैनल पे आ जाएगा ये ब्लॉग, तो पूरा वीडियो देखिएगा कैसा लगेगा वो
कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग को सपोर्ट कीजिए और जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए सब लोग चला, अभी हम भी घर चलते हैं, घर जाके फिर फ्रेश होंगे। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।